बुधवार को जब विधायक दल की बैठक में आनंदीबेन को नेता चुना गया, वो भावुक हो गई थी। बोलते बोलते गला रूंध गया था। इतिहास में उनका नाम गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज होने जा रहा है। इसे वो गुजरात की महिला शक्ति की जीत बता रही है। वीरता पुरस्कार विजेता हैं आनंदीबेन पटेल। अध्यापिका रही हैं, प्रधानाचार्य रही हैं, जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी वहां पर। 1987 की बात है, जब सरदार सरोवर डैम में दो लड़कियां डूब रही थी तो उन्होंने कूद कर उन्हें बचाया था। राजनीति में हालांकि उनकी एंट्री उसके बाद ही हुई थी। नरेंद्र मोदी गुजरात गए उससे पहले वो गुजरात कैबिनेट में जगह हासिल कर चुकी थी। ये सीधी तस्वीरें आप जोरदार तालियों से गांधीनगर से इस वक्त देख रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए नेता पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी का हर बड़ा चेहरा यहां पर मौजूद रहेगा। नरेंद्र मोदी को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री विदाई दी गई थी गुजरात विधानसभा में, भारतीय जनता और उसी दौरान ये तय किया गया था उसके बाद की आनंदीबेन पटेल होंगी गुजरात की अगली मुख्यमंत्री। भावुक मोदी भी पहले हुए थे, भावुक आनंदीबेन पटेल भी हुई थी। लंबे समय से गुजरात में रही हैं आनंदीबेन पटेल, एक मंत्री के तौर पर अलग अलग विभाग, कई अहम विभाग उनके जिम्मे रहे हैं और जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है गुजरात विधानसभा मंत्री पद को संभालते हुए आनंदीबेन को चुना गया सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री अगली गुजरात की। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ सीधे गांधीनगर से जुड़ रहे हैं। कमलेश, पहली महिला मुख्यमंत्री गुजरात की, कुछ देर के लिए नरेंद्र मोदी भी बैक सीट लेंगे क्योंकि आनंदीबेन पटेल का शपथ ग्रहण। श्री गोपीनाथ मुंडे जी, सुब्रमण्यम स्वामी अने गुजरात ना प्रभारी। कमलेश, आवाज आ रही है आपको? ओम जी माथुर। कमलेश, गुजरात भारतीय जनता पार्टी। कमलेश, आवाज आ रही है आपको? मैंने आपसे पूछा था कि कुछ देर के लिए लगता है नरेंद्र मोदी भी नेपथ्य में जाएंगे क्योंकि आगे आ रही है आनंदीबेन पटेल, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। जी श्वेता, अगर आनंदीबेन की इमेज पूरे गुजरात पॉलिटिक्स में देखी जाए तो जिस तरह की उनका पूर्व आयुष्य रहा है बतौर एक स्कूल टीचर, वही इमेज उन्होंने पॉलिटिक्स में भी बरकरार किया है। कई लोगों ने, जब पिछले दो चार दिनों से दौर चल रहा था नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को चुनने का, तो कुछ शिकायतें भी आनंदीबेन पटेल के बारे में थी। उनकी जो कार्यशैली है, जो डिसिप्लिनरी उन्हें स्ट्रिक्ट माना जाता है, उसके लिए कई लोगों ने अपनी राय जताई थी कि आनंदीबेन के साथ काम करने में शायद दिक्कत हो सकती है। लेकिन कल जब चयन हो रहा था आनंदीबेन पटेल का, तब नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात को साफ कर दिया कि देखो भाई, इस उम्र में अब उनके स्वभाव को बदलना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से हमारी अधिकारियों से बात हो रही थी, सचिवालय में हम लोगों से बात कर रहे थे जिन लोगों ने काम किया है आनंदीबेन पटेल के साथ में, कई सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में वो बतौर मंत्री काम कर चुके, राजस्व हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट हो, स्कूल एजुकेशन हो, ये सब वही डिपार्टमेंट है जिनके बारे में हमेशा नरेंद्र मोदी कहते हैं गुजरात के विकास के बारे में जब बात करते हैं तो ये वो डिपार्टमेंट है जो जिनपे की रोल आनंदीबेन पटेल का रहा है। तो उन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों का ये कहना था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, एक बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर उनकी जो भूमिका हमेशा रही है काफी सख्त रही है, नो नॉनसेंस टाइप की उनकी भूमिका रही। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के बाद में अगर कोई गुजरात के प्रशासन में जो उन्होंने एक डिसिप्लिन लाया है उसे कोई आगे बरकरार कर सकता है तो वो आनंदीबेन पटेल है। इसके बारे में बाकी लोगों की दो राय नहीं थी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री है, इतिहास में उनका नाम जाएगा बतौर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री। लेकिन इसके साथ साथ ही उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जिस तरह का स्टैंडर्ड नरेंद्र मोदी ने सेट किया है, जिस तरह की चर्चा हमेशा गुजरात की होती रही, उसको आगे चलाते रखना, उसको बरकरार रखने की बड़ी जिम्मेदारी अब आनंदीबेन पटेल पर है। जी, यही लोगों के दिल में सवाल होगा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की का विकास करते रहे गुजरात का, क्या आनंदीबेन पटेल यहां से एक बेटन रिले में बेटन लेकर आगे उसे बढ़ा पाएंगी या फिर नहीं बढ़ा पाएंगी, क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमें बता रही हैं वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही कैमरे हैं, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही सारा ध्यान है। आनंदीबेन पटेल अगर कुछ क्षण के लिए शपथ ग्रहण करती है तो वो बात अलग है, गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी, वो भी अपने आप में प्रतीकात्मक है। लेकिन जो जिस शख्स के चारों तरफ सारा ध्यान है वो नरेंद्र मोदी ही हैं। आपको ये बता दें कि केशुभाई पटेल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले केशुभाई पटेल से नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात की थी वो उसने भी सुर्खियां बटोरी थी। शंकर सिंह वाघेला से जिस तरीके से
विधानसभा के भीतर बातचीत हुई थी उसने भी सुर्खियां बटोरी थी। गुजरात की राजनीति आज केंद्र में दिलचस्पी की वजह बन रहा है। लेकिन आनंदीबेन की बात हम कर रहे हैं कमलेश, हालांकि एक महिला को जब सर्वोच्च पद पर आसीन किया जाता है तो इस तरह की बातें उठनी लाजमी है कि सवाल उठ रहा है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिनेरियन है। राजनीति में ये चीज अच्छी भी हो सकती है और जहां तक प्रगति की तरफ उनका ध्यान है तो वो रहता भी है, रहना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक रिग्रेसिव प्रगति में विश्वास रखती हैं। जब राजस्व और खासतौर पर शहरी विकास इन मंत्रालयों का उन्होंने जिम्मा संभाला था तो उन्होंने किसानों के अंगूठों के निशानों को, तस्वीरों को, जिस तरीके से उनको कंप्यूटरीकरण हुआ था उनका, उस पर भी उसकी भी जो श्रेय है वो आनंदीबेन पटेल के नाम ही है। यानी कि वो विकास के नए फॉर्मूलों से हिचकती नहीं है। चलिए कमलेश तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन हम ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हमें कुछ साल पहले ज़रूर ले जा सकती है, हम दशक से ऊपर की बात कर रहे हैं, पीछे ले जा सकती है, जहां पर केशुभाई पटेल बीच में नज़र आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनकी एक तरफ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। केशुभाई पटेल को गुस्सा कितना रहा था नरेंद्र मोदी से, ये जब नरेंद्र मोदी को अचानक मुख्यमंत्री घोषित किया गया था गुजरात का, उसके बाद से जग जाहिर है। केशुभाई की तरफ से कोशिशें भी बहुत हुई थी कि नरेंद्र मोदी टिक न पाए गुजरात में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी राह पकड़ी थी और गुजरात के मुख्यमंत्री वो बने रहे थे। केशुभाई अलग भी हो गए भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी बना ली, लेकिन नरेंद्र मोदी कई दफा उनसे जाकर मुलाकात करते रहते थे। केशुभाई के तेवर तल्ख रहते थे, तीखे रहते थे, नरेंद्र मोदी पर न जाने कितने निशाने उन्होंने साधे हैं। मोदी का केशुभाई के पास जाना जो रहता था उस पर राजनीति से प्रेरित होने के कटाक्ष भी किए जाते थे। पदनामित मुख्यमंत्री, लेकिन आज पदनामित मंत्री श्रीओ आनंदीबेन पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में त्यार बाद केशुभाई और नरेंद्र मोदी साथ साथ, और ये देखिए आनंदीबेन पटेल दाखिल हो रही हैं वहां पर, शपथ ग्रहण करेंगी कमला बेनीवाल। न सिर्फ गुजरात की सियासत बल्कि केंद्र की सियासत के बड़े चेहरों से खचाखच भरा ये कमरा, गुजरात के राज्यपाल और साथ में गुजरात की बस कुछ ही क्षणों में होने वाली मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। सम्माननीय राज्यपाल महोदया श्री, गुजरात ना पदनामित मुख्यमंत्री श्री उपस्थित छे, एमने सौगंधविती माते आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे। अनुमति दी जाती है। श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल, हूँ आनंदीबेन मफत भाई पटेल ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો
श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक बजावीश। भय के पक्षपात राग के द्वेष विना तमाम लोको साथे संविधान अने कायदा अनुसार न्यायपूर्वक वर्तीश। हूँ आनंदीबेन मफतभाई पटेल ईश्वरना नामे सोगन लऊं छूं के हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारणा माटे लावामां आवशे अथवा मारा जाणवामां आवशे तेनी जाण एवा मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यना योग्य पालन माटे आवश्यक होय ते सिवाय प्रत्यक्ष रीते कोई पण व्यक्ति अथवा व्यक्तिओने करीश नहीं अथवा तेनी के तेमनी आगळ तेने प्रगट करीश नहीं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण हो चुका है। आनंदीबेन पटेल अब गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। गुजरात की 15वीं मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी की जगह ले रही हैं। नरेंद्र मोदी जिन्होंने जिस तरीके से गुजरात का शासन किया कि देश ने उन्हें खुद पर उन्हें समूचे देश पर शासन का मत दे दिया, उस जगह को भरना है। जगह बड़ी है, उम्मीदें बड़ी हैं, आनंदीबेन पटेल का अनुभव भी बड़ा है। देखना है कि वो अनुभव उन्हें। परम सम्मानी राज्यपाल महोदया श्री, गुजरातना पदनामित मंत्रीशीओ उपस्थित छे, एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे। अनुमति दी जाती। श्री नितिन कुमार रतिलाल पटेल, हूँ नितिन कुमार रतिलाल पटेल ईश्वरना नामे स्वागत लऊं छूं के कायदा थी स्थापित भारतना संविधान प्रत्ये हूँ साची श्रद्धा अने निष्ठा धरावीश। हूँ भारतना सार्वभौमत्वनू अने अखंडतानू समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना मंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक अने अंतःकरणपूर्वक बजावीश अने भय के पक्षपात राग के द्वेष विना तमाम लोको साथे संविधानना अने कायदा अनुसार न्यायपूर्वक वर्तीश। हूँ नितिन कुमार रतिलाल पटेल ईश्वरना नामे स्वागत लऊं छूं के गुजरात राज्यना मंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारणा माटे लावामां आवशे। तो गुजरात की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। अब बाकी औपचारिकताएं वहां पर पूरी हो रही हैं। 1988 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। उसके बाद जब मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकली थी तो इकलौती महिला नेता उस दौरान थी और वहीं से उन्हें एक पहचान सी मिलनी शुरू हो गई थी पार्टी के भीतर। 1998 में मंडल विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बनी और उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा अनुशासित उनका कामकाज रहता था, ऐसा तरीका था उनका कामकाज का कि उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी जल्दी सौंपी गई और उसके बाद जिस तरीके से लगातार वो काम कर रही हैं उसी का नतीजा है कि आज गुजरात की मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन पटेल को देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद गुजरात भाजपा ने बगावत का एक लंबा दौर देखा था। उस दौर में आनंदीबेन लगातार बीजेपी के साथ बनी रही थी, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया था, एक विश्वस्त नेता नरेंद्र मोदी की, लेकिन उससे बढ़कर एक कुशल मंत्री गुजरात सरकार में। 1998 में कैबिनेट में आने के बाद से लगातार अहम विभाग उन्हें दिए जाते रहे, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण जैसे मंत्रालय संभाल चुकी हैं, शहरी विकास, राजस्व, ये सारे अहम ओहदे
આનંદીબેન પટેલ સંભાળ ચૂકી હૈ. હું રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્ય બાકી મંત્રી ભી શ્રદ્ધાપૂર્વક ગુજરાત વિધાનસભા મે અબ શપથ ગ્રહણ કર રહે હૈ ઓર યે ઉસકી સીધી તસવીરે ઇસ વક્ત આપ ગુજરાત સે દેખ રહે હૈ. તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું રમણલાલ ઈશ્વરલાલ વોરા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારે જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે કોઈ પણ. जिस 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात के विकास का सपना दिखाकर नरेंद्र मोदी ने 125 करोड़ भारतीयों का दिल जीता था, उस गुजरात में आज सत्ता परिवर्तन का दिन था. सत्ता परिवर्तन पार्टी के लिहाज से नहीं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदल गया है. आनंदीबेन पटेल गुजरात की नई मुख्यमंत्री, 15वीं मुख्यमंत्री बनी है गुजरात की, लेकिन साथ ही प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल. भारतवर्ष पर पहुंचे तमाम पदनामित माननीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे और उन सब के बीचों बीच आनंदीबेन पटेल ने शपथ ग्रहण किया. भारतीय जनता पार्टी ना नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में केशुभाई पटेल बैठे हुए थे. नरेंद्र मोदी और केशुभाई के बीच बातचीत भी चल रही थी. ये क्या संकेत है आगे की राजनीति के लिए, ये अलग सवाल है. लेकिन एक दफा एक वक्त था जब वाघेला केशुभाई और नरेंद्र मोदी की तिकड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मजबूत कर दिया था, जिसके बाद से कभी कोई दूसरी पार्टी पलटकर वहां पर लौट नहीं सकी. लेकिन अब आनंदीबेन पटेल के हाथों में कमान कि किस तरीके से गुजरात को वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए रखती हैं. जिम्मेदारी उन पर बड़ी है. आज उनके बाकी मंत्रियों ने भी यहां पर शपथ ग्रहण किया है और इस पूरे मंत्रिमंडल के लिए, इस मुख्यमंत्री के लिए चुनौती का रास्ता एक कठिन रास्ता सामने खड़ा है. नरेंद्र मोदी अब केंद्र की तरफ बढ़ चले हैं. राजनाथ सिंह जी, उनके अहम सिपहसालार अमित शाह का किरदार गुजरात में कितना रहता है, केंद्र में कितना रहता है, ये अहम होगा. और इस सब के बीच गुजरात में उनके विधायक, उनके मनोनीत मंत्री और मुख्यमंत्री क्या कर पाते हैं गुजरात के लिए, वो बड़ा सवाल है.